19 अप्रैल को लोकसभा 2024 के प्रथम चरण का मतदान स्वतंत्र, निष्पक्ष और सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु वृहद पुलिस प्रबंध किया गया है। प्रदेश के 9 जनपदों में स्थित 8 लोकसभा क्षेत्रों में 7689 मतदान केंद्रों के 14849 मतदेय स्थलों पर होने वाले मतदान के दृष्टिगत कुल 248 बैरियर स्थापित किए गए हैं। इसमें से जनपद पीलीभीत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रभावित क्षेत्र में 11 बैरियर व जनपद सहारनपुर, शामली, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, मुजफ्फरनगर तथा पीलीभीत के अंतर्राज्यीय सीमा पर 88 बैरियर स्थापित कर अनवरत चेकिंग कराई जा रही है। समस्त अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय बैरियर पर अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों का अधिस्थापन कराकर चौकसी व निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। प्रथम चरण के मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए 6018 निरीक्षक व उप निरीक्षक, 35,750 मुख्य आरक्षी व आरक्षी, 24,992 होमगार्ड्स, 60 कंपनी पीएसी बल तथा 220 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आरपीएफ का व्यवस्थापन किया गया है। इसके अतिरिक्त 6,764 ग्राम चौकीदार व पीआरडी जवान भी व्यवस्थापित किए गए हैं। उक्त के अतिरिक्त समस्त जनपदों में राजपत्रित अधिकारी व अन्य पुलिस बल सामान्य व कानून व्यवस्था ड्यूटी हेतु निरंतर गतिशील रहेंगे। प्रथम चरण से संबंधित उक्त जनपदों में 348 फ्लाइंग स्क्वाड, 459 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम तथा 55 क्यूआरटी टीम का गठन कर निरंतर चौकसी बरती जा रही है। अभिसूचना तंत्र तथा सोशल मीडिया सेल को सक्रिय कर सतर्क किया गया है। पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित चुनाव प्रकोष्ठ तथा नियंत्रण कक्ष के माध्यम से समस्त जनपदों से समन्वय व सूचनाओं को साझा करते हुए निरंतर अनुश्रवण सुनिश्चित किया।